हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, सलासार टेक्नो की ओर से सितंबर क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे अनऑडिटेड रिजल्ट आउट हो चुका है स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड का। सेकंड क्वार्टर हाफ ईयर एंडेड का रिजल्ट है जो कि आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर्स की बात करें तो नंबर जो दिए गए लैक्स में है, पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। इनकम है इस बार का लास्ट ईयर था 275.6 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 294.9 करोड़ का, करेंट क्वार्टर में 283 करोड़ का इनकम है। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो डाउन है, क्रैश किया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इनकम में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस हुआ है लास्ट ईयर 263.3 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर में 280.8 करोड़ का और करंट क्वार्टर में 270.7 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है इनकम के अकॉर्डिंग, लेकिन ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंस बहुत ज़्यादा किया गया है। और ये कंपनी का एक्सपेंस हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का जो कॉस्ट लगाया गया इसमें, और ऑपरेशनल कॉस्ट जिसको बोल सकते हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है लास्ट ईयर 12.3 करोड़ का, लास्ट क्वार्टर 14 करोड़ का, करंट क्वार्टर 12.4 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में ओनली 11 लाख का इंक्रीज किया, बहुत ही ज़्यादा मिनिमम इंक्रीज किया है। आफ्टर टैक्स कंपनी का प्रॉफिट है लास्ट ईयर था 9 करोड़ का, करंट क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर 10.4 करोड़ का, करंट क्वार्टर में 9.6 करोड़ का प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है बहुत ज़्यादा, लेकिन ईयर ऑन ईयर में कंपनी 65 लाख का ओनली इंक्रीज किया है। EPS 0.06 रुपीज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में एवरेज इंक्रीज है, लेकिन गाइस फ्लैट देखने को मिला। तो ओवरऑल गाइस कंपनी का जो रिजल्ट आया ना एवरेज है, क्योंकि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर के इनकम प्रॉफिट में डाउन है तो ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज करता हुआ देखने को, और वो भी एवरेज इंक्रीज किया है जिसका इंपैक्ट इसके शेयर में पड़ा। 4.2% का आज क्रैश किया, 17.58 रुपीज पे शेयर क्लोज किया, 1 वीक में 7% का लॉस है, और 1 मंथ की बात कर 17% का लॉस है। कंपनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा डाउन में देखने को मिल रहा है। तो गाइस अगर कंपनी सपोर्ट लेता है तो कल के दिन अगर देखना है कि कल क्या 17.48 का सपोर्ट लेता है, या फिर अगर इतना सपोर्ट को ब्रेक करता है तो कंपनी फिर से बहुत बड़े सपोर्ट ले सकता है। इसलिए गाइस कल देखिए कल कैसा परफॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डिसीजन लीजिएगा। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।